हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, सुबह का टाइम था और लगभग 8 बज चुके थे, 8 से 8:30 के का जो लगभग टाइम हो रहा था। तो चाय मेरा हो गया था और लेट से भी मैं उठी ही थी और चाय हो गए, चाय मैंने पी लिया था। फिर झाड़ू वगैरह मैंने सब कुछ दे लिया है। फिर मैंने सोचा कि आज मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई का ही ज़्यादा कुछ मैंने सोच के रखा है कि साफ़ सफाई वाले जो काम है वो मैं आज निपटाऊँगी। और खाना वगैरह का मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अकेली हूँ। दिव्यांशु उसके पापा गए हैं दादी से मिलने के लिए, और नानी मौसी सभी लोग एक ही शहर में रहते हैं, तो सभी लोग से उसका मिलना जुलना बहुत दिन से इधर नहीं हुआ था। तो एग्ज़ाम जब हो गया बोर्ड का तो वो उसको लेकर गए थे। पिछले वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया था, तो फिर 2 दिन के लिए गए थे। तो फिर नेक्स्ट दिन सुबह मैंने ये ब्लॉग बनाया था और फिर जो जो काम मुझे करने थे वो मैंने करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने बेडशीट वो डाल दिया उस रूम का, क्योंकि वो वहाँ पढ़ते रहता था, तो वो उसमें पूरा पेंसिल वगैरह पढ़ते पढ़ते उसको लिखने का आदत है, तो कभी बेड पर लिख देगा तो मतलब इस तरह से गंदा हो जाता ना। तो सबसे पहले मैंने वो बेडशीट हटाया, उसको धोने के लिए डाल दिया है। और फिर कूलर का पानी निकाला मैंने, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कूलर का पानी मतलब बढ़ा हुआ तो उसको क्यों निकाल दिया, तो वो ख़राब हो गया। मतलब कूलर जो है मोटर उसका काम नहीं कर रहा है, अचानक से एक ही दिन चला और बिना कूलर के तो होता नहीं, पूरा हॉल जो है गर्म हो जाता है। ऊपर वाला फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, तो बहुत गर्म हो जाता है, बिना कूलर का हॉल में गुजर नहीं होता है। और एक ही दिन चला उसका, अचानक से मोटर ख़राब हो गया। और जस्ट जाने के इनको जाना था, जस्ट एक दिन पहले शाम में वो ख़राब हो गया था। तो फिर ये बोले कि जब मैं लौट कर आऊँगा तो फिर इसको कंप्लेन करूँगा, तो फिर ये बनेगा, आप इसका बस पानी निकाल के रख दीजिएगा। तो बस उसका मैंने पानी हटा दिया है, निकाल दिया बालकनी में ले जाकर, नहीं तो क्या होगा कि उसमें स्मेल आ जाएगा, इसलिए मैंने उसका पानी जो है निकाल दिया है। और उसके बाद फिर किचन में मैंने जो है काला हिट नीचे वाला जो है पल्ला लगा हुआ, उसके अंदर क्या हुआ कि एक दो कॉकरोच मुझे दिखने लगे थे इधर, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें काला हिट छीट कर छोड़ देती हूँ आधा पौन घंटे के लिए, उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो सारा सामान जो है अंदर का बर्तन वाला टोकरा था, ज़्यादा सामान भी उसमें नहीं है, बस ये बर्तन का टोकरा है, एक फ़िल्टर है पुराना सा, एक बाल्टी बस इतना ही रहता है, और सिलेंडर होती है। जबकि अच्छे से मैं साफ़ सुथरा उसको करती रहती हूँ, फिर पता नहीं क्यों बंद बंद रहने की वजह से स्मेल हो जाता है, क्या हो जाता है, किस वजह से कॉकरोच दिखने लगा है। पहले नहीं दिखता था, पहले खुला खुला था तो अच्छे से मतलब कभी दिखा ही नहीं मुझे। ऊपर वाले रेक में ये प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्राउंड में जो है नीचे में उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे देख रही। तो बस मैंने उसको छीट के छोड़ दिया है आधे पौन घंटे के लिए, तो उसका स्मेल रहेगा, अगर होगा तो वो निकल जाएगा या फिर मर जाएगा उसमें से। तो उसको मैंने छीट के आधे पौन घंटे के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद उसको अच्छे से फिर साफ़ करूँगी। अभी फ़िलहाल आ गई थी मैं कोको को नहलाने के लिए, देखिए कैसे मैं इसे नहलाती हूँ बालकनी में रख कर। गर्मी में तो खूब मज़े से नहाता है और बिना नहाए ये रहता भी नहीं है कोको, मतलब इसको ऐसा हैबिट हो गया है, जैसे होता है ना कि जिस माहौल में रहते हैं वैसा ही आदत हो जाता है, तो ठंडा हो या गर्मी हो इसको नहाना है। और तो बस उसको मैंने नहला दिया है और फिर उसके बाद आ गई थी फिनाइल मैंने लिया और फिर अच्छे से पानी डाल के अंदर डाल के मैंने पोछा, तो कॉकरोच निकले एक दो, छोटे छोटे थे, छोटे छोटे ही दिख भी रहे थे, पता नहीं मतलब पल्ला की वजह से उसमें हो जाते हैं क्या, बंद बंद की वजह से, तो एक दो ही दिखे थे। फिर चलो निकल गया वो, उससे साफ़ करके मैंने सब कुछ अंदर एडजस्ट कर दिया है। अगर देखूंगी, अगर फिर दिखेगा तो फिर से वो मुझे दोबारा ये सब करना पड़ेगा निकाल कर, क्योंकि अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर ज़्यादा पनपने लगेगा, फिर एक दिखता है तो बहुत ज़्यादा, फिर ये मतलब इसका संख्या बहुत जल्दी बढ़ जाता है, अगर नहीं ठीक से साफ हुआ तो फिर से मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद सारे शूज लेकर बैठी हूँ धोने के लिए, मतलब स्कूल का ब्लैक और वाइट वाला जो शूज है और एक दो हाफ शू हैं वो सब मैं धो रही हूँ, क्योंकि बाहर वाला जो रेक है गेट के जस्ट मेन गेट के बाहर जो मैं रेक रखती हूँ जूता चप्पल के लिए, वो भर गया है। भर गया मतलब क्या, जो यूज नहीं हो रहा है अभी वो भी रखा हुआ है वहाँ पर, तो मैं इसको क्या करती हूँ कि धोने के बाद जो अंदर भी एक रेक है चप्पल का उस पर मैं रख देती हूँ, धुलने के बाद सूख जाएगा उसके बाद उस पर रखूँगी, तो आगे वाला जो रेक है वो खाली हो जाएगा बाहर वाला, तो ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है ना बाहर में रखना, तो बाहर वही वाला रखते हैं जो जैसे बाहर से खोल आए तो वो चप्पल बाहर ही छोड़ देते हैं, इससे घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और कोरोना के टाइम से ये वाले जो आदत हम लोग हो गए, पहले तो अंदर में ही रखते थे, फिर वहाँ पर गेट पे गंदा भी थोड़ा हो जाता था, लेकिन ये ठीक है, बाहर रहने से होता है कि घर गंदा नहीं होता। और धूप बहुत ज़्यादा आज है, तो सब सारे सूट जो है मैंने छत पर रख दिया है सूखने के लिए, तो सूख जाएगा तो उसके बाद जो है रेक अंदर वाला जो रेक है उस पर मैं इसको सजा दूंगी।
बाहर खाली हो जाएगा, तो इसलिए मैंने धो लिया है। और दो तीन दिनों से ही सोच रही थी, क्योंकि स्कूल बंद हुए दो तीन दिन हो गए थे, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब करने में भी तो आधा पौन घंटा लग जाता है ना, और रोज़ का जो रूटीन होता है ना तो उतना हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने उसको भी धो के रख दिया है। और धूप भी बहुत अच्छी की हुई है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस नहा कर आ गई हूँ और जा रही थी मैं दही चूड़ा ही खाने के लिए, क्योंकि 11:30 का लगभग टाइम हो चुका था, तो इसलिए दही चूड़ा ही मैंने खा लिया था। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसके आगे मैंने शूट नहीं किया था। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।